मैच कहते खड़के दड़के वाला होना है कि रेडा भावे लख पैंदी आ पर हुण गल जत्थिया दे मुकनी है। पहली कबड्डी इस समय कहते डींग दी टीम वालों अमित कहते कहते कोई मितू कहते तीजा कहना है मितू तीजे की कहते कबड्डी ऐर वाले की पै रही है एक एक नहीं तो अमन खड़ा है जिन्हें पहला कहते तगड़े जफे लाए ने हेयर स्टाइल भी बखरा है पर दूजे पासे अवसर वाले ने भी कहते ऐन पता चाड़ लिया पुली से मैनू लगता भी सिरे का जफा लगेगा इस समय सिरे का जफा लगेगा। वाह जी वाह। हाँ जी लंडी जीप कहते हूँ मान सम्मान दी जानी है कर ला कह स्टार्ट और आप भाई देखिए जो बड़े लांड जिप्सी के साथ आज बड़े मित्र का मान सम्मान होगा भाई चाहे प्रदीप इंग्लैंड की बात करें जो बड़ा मित्र भाई है चाहे भाई अमित इंग्लैंड की बात करें और भाई चाहे अजय गोलन की बात करें और भाई चाहे रवि शिमला मुलाना की बात करें और भाई चाहे संजू गोलन की बात करें और बिल्कुल चाहे बिल्लू तिगरी की बात करें आज बहुत बड़ा मान सम्मान होगा मित्रों बड़े मित्र का एक योगा गाड़ी के साथ मैं सभी भाइयों का जो विदेश के अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल बार बार दो मिनट मैच रोक लेना जी। एक बड़ा मान सम्मान है बहुत बड़ा मान सम्मान और भाई कबड्डी इतिहास के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के अंदर या तो प्रवीण आयर पंचायत सेक्रेटरी साहब को सबसे बड़ा मान मिला जो पुराना गाँव की पावन धरा के ऊपर करेटा गाड़ी के साथ और यह भाई बड़ा मित्र है आज बिल्कुल आपके सामने देखे जो विदेश के अंदर हमारे भाई बैठे हैं चाहे प्रदीप इंग्लैंड की बात हो और भाई चाहे अमित इंग्लैंड की बात हो और भाई चाहे अजय गोलन की बात हो चाहे भाई रवि शिमला मुलाना की बात हो और भाई चाहे संजू गोलन की बात हो और चाहे भाई बिल्लू तिकरी की बात हो मित्र गुलाब जी हाँ जी जीप पता कितों तैयार कराई है कहते पंजाब के डब वाली तो तैयार होके आई है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल क्योंकि टॉप की महंगे मुल की जीप तैयार हो तो आप आगे खड़े हो जाओ। बब्बू भाई कहते जीप पंजाब तो आई है क्योंकि डब वाली तैयार हो जी पहले गाड़ी के आगे बिल्कुल हाँ फोटो भाई पहले चाबी सौंपी जाएगी बड़ा मित्र पंचायत सेक्रेटरी साहब को बहुत बड़ा मान सम्मान और आज बिल्कुल देखिए खेल प्रेमी भी भाई ले मान सम्मान दे रहे हैं हमारे बुजुर्ग आपको बिल्कुल जी और एक भाई बिल्कुल देखिए भाई ताली मार दो जोरदार तालियों से स्वागत कर दे भाई बिल्कुल जोरदार तालियां बजाते रहिए आज बहुत बड़ा मान सम्मान है बड़ा मित्र पंचायत सेक्रेटरी साहब का चाहे पुराना गाँव की पावन धरा की बात करें और भाई चाहे यार गांव की पावन धरा की बात करें और बिल्कुल अभी भाई दर्शक साथियों के सामने राउंड लगाएंगे बड़ा मित्र पंचायत सेक्रेटरी साहब बड़ा पूरे ग्राउंड का राउंड लगाया जाएगा। हाँ जी चढ़ लेने दो जी इतने तो वो गल ढुक दी है पिंडा बिच ना हो फैसले लागदार दे चीकां दे पुत जटा दे शौकी होंगे फोर बुलट दे जीपां दे अज कहते दो बुलट एक कहते लंडी जीप कहते मीतू अहर वाले दी जा रही है पंचायत सैकटरी बड़िया मुबारक ने घर के बूए कहते तेल चोया जाना बड़ी भागा वाली कहते धरती है भाई राउंड ले ले भाई ताड़ी मार दो जोरदार जितों जितों कहते खिलाड़ी लंघ रहे ने जीप दे विच हेलो और बिल्कुल बहुत बड़ा मान सम्मान है भाई कबड्डी इतिहास के आज इस खेल मेले में भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिए और भाई दर्शक साथियों का बिल्कुल अभिवादन स्वीकार करते हुए भाई पूरी टीम चाहे भाई प्रवीण अहर की बात हो चाहे बड़ा मित्र अहर की बात हो भाई लक्ष्मण की बात हो और बिल्कुल भाई दर्शक साथियों आप भी ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए बिल्कुल ऐसे महान खिलाड़ी को ऐसे ऐसे मान सम्मान मिलते रहने चाहिए भाई इन खेल मेलों के दौरान और आज बहुत बड़ा मान सम्मान है भाई बड़े मित्र का बिल्कुल बधाई के पात्र है भाई बड़ा मित्र मैं बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ भाई बिल्कुल तालियां बजाते रहिए ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी के लिए जो कबड्डी इतिहास में चाहे भाई प्रवीण अहर की बात करें और चाहे भाई मित्र अहर की बात करें
जिनको बहुत बड़ा मान सम्मान, चाहे करेटा गाड़ी की बात हो और भाई चाहे लांडी जिप्सी की बात हो, बिल्कुल बहुत बड़ी अच्छा मान सम्मान दिया गया आज। मैं धन्यवाद करता हूं भाई जो विदेश के अंदर हमारे भाई बैठे हुए हैं, प्रदीप इंग्लैंड, अमित इंग्लैंड, अजय गोलन, रवि शिमला मुलाना और भाई संजू गोलन और बिल्लू तिगरे, बिल्कुल तालियां बजाते रहे भाई ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल सभी भगवान रूपी दर्शक साथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बहुत बड़ा मान सम्मान आज भाई बड़ा मित्तु अहर का और भाई चाहे प्रवीण अहर की बात करें जिनको करेटा गड्डी के साथ मान सम्मान दिया गया था, बिल्कुल बधाई के पात्र है भाई सभी खेल प्रेमी और बड़ा मित्तु अहर। बिल्कुल ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी को इतने बड़े मान और सम्मान की आवश्यकता थी। और भाई चाहे प्रदीप इंग्लैंड की बात हो, भाई छोटा भाई जो हमारे बड़े मित्तु अहर का, और भाई चाहे अमित इंग्लैंड की बात हो, अजय गोलन की बात हो, और भाई चाहे रवि शिमला मुलाना की बात हो, और भाई चाहे संजू गोलन टिकरी की बात हो, और भाई चाहे बिल्लू टिकरी की बात हो, बाबा मुबारक बहुत बड़ा मान सम्मान आज इस शहर गांव के पावन धरा के ऊपर भाई बेटा मित्तु अहर और जिन विदेश के अंदर बैठे हुए भाइयों ने जो मान सम्मान दिए, मैं उनका भी बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी आप हो लो थोड़ा सा साइड में, हाँ गुरुजी आप उधर ही दे दियो जी आशीर्वाद, हाँ ऐसे ही आशीर्वाद दे दो आप तो। बिल्कुल भाई तालियों के साथ मान सम्मान करते रहिए ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी का जो बहुत बड़ा मान सम्मान आज ही शहर गाँव की पावन धरा के ऊपर, मैं बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। विदेश के अंदर जो भाई बैठे हैं, जिन भाइयों ने जो मान सम्मान दिया, चाहे प्रदीप इंग्लैंड की बात हो, चाहे अमित इंग्लैंड की बात हो, और भाई चाहे अजय गोलन की बात हो, और चाहे रवि शिमला मुलाने की बात हो, चकरे ढोलिया छवा दे है भाई, खेल मैदान खाली कर दो प्लीज, पब्लिक नु बेनते भी बाहर ली और आ जाए प्लीज भाई, ग्राउंड खाली कर दो प्लीज, साथ ही खिलाड़ियों को बेनती है भी बाहर आ जाओ, पब्लिक को बेनती है भी बाहर ली और आ जाए, यार खेल मैदान खाली कर दो प्लीज, हाथ बन के बेनती है सारी पब्लिक नु प्लीज, मैच जो शुरू ने और भाई बहुत बड़ा मान सम्मान है, बिल्कुल आज बड़े मित्तु अहर का बहुत बड़ा मान सम्मान है, हम बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं भाई कालू अहर के द्वारा और सभी भाइयों के द्वारा। भाई सारे बाहर हो जाओ प्लीज, हाथ बन के बैठते हैं, अभी ग्राउंड खाली कर दो, रुक जा रहा भाई रुक जा, और भाई अब दर्शक साथियों से मेरा अनुरोध है सिर्फ खिलाड़ी साथियों को छोड़ के अब हमारा ग्राउंड खाली कर दे, बहुत बड़े बड़े मान सम्मान हो चुके हैं, मैं अनुरोध करूंगा भाई हमारा ग्राउंड खाली कर दे, बिल्कुल भाई जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है ना आप हमारा ग्राउंड खाली करिए, मैच भी साथ ही साथ चलते रहने चाहिए, ग्राउंड खाली कर दो जी, बिल्कुल जसवीर जी करे ग्राउंड खाली, साथ ही साथ मैच चलता रहेगा भाई, ये ग्राउंड खाली कर दे, बिल्कुल ग्राउंड खाली, मैं अनुरोध करूंगा साथ ही साथ मैच चलते रहे, हो रहा है उतराले में पहुंचे हैं, मैं मास्टर विनोद कुराना जी का भी बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा भाई, आप ग्राउंड खाली करिए, रामिया हुण तां उतराले नूं पता नहीं लगता मैच रोक ला जां ग्राउंड खाली करा ला, वीर जिंदरे ताए हुटर वाले नूं पता नहीं लगता हुण काला एटीएम देख तो ही नहीं नाम बुलवा दिया किसी का गलत, भाई ग्राउंड खाली कर दो, ग्राउंड खाली कर दो जी आप, बिल्कुल भाई देखे ताकि हमारे मैच भी चलते रहे, बिल्कुल जी काला एटीएम तो कदे नहीं गलत नाम बुलवा दिया किसी का, काला एटीएम भाई ग्राउंड में आ जाए, काला एटीएम नाम है इसका, यू काला एटीएम, हाँ मैच शुरू करवा दो जी,
ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਮੈਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੂਟਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਈ ਕਾਲਾ ਸੰਜਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਵੀ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਚੱਲਤ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇਂਦਰ ਆਰ ਬਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਏ ਕਾਲਾ ਆਰ ਆਪਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੀਟ ਪੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਅਬ ਉੱਪਰ ਸੰਜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ ਬਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖੇਲ ਸਮਿਤੀ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਆਟਰ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੋਗਾ ਜਮੋਲਾ ਵਰਸੇ ਬਾਗੜੂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਲਓ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਔਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮਿੱਤੂ ਨੰਬਰ 3 ਅਗਰ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਰੇਡ ਮਾਰਤਾ ਵਾਂਟਡ ਯੂ ਐਸ ਏ ਔਰ ਦੋਨੇ ਯੂ ਐਸ ਏ 500 ਰੁਪਏ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੋਗਾ ਬਾਈ ਮਿੱਤੂ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਔਸਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜੁੜੇ ਆ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਂਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਸਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂ ਕਾਦਾ ਬਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿੰਗੇ ਦੀ ਘਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆ ਦੇਗ ਭਰਾਵਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਊ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਸਰ ਦੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੈਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਡੋਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕੇ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਵੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਵੈਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਚ ਪੱਟੀ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਡੀਗ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜੁੜੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤੂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ 500 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧੋਨੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸਾਡਾ ਵੀਰ 500 ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਟਡ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤੂ 3 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਨੀ ਦੇ ਅਮਨ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਨੇ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਮਿੱਤੂ 3 ਹੈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਵੀਰ ਮੋਨੂ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਨੂ ਭਲਵਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 60 ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਓ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਂਗ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਮੋਨੂ ਭਲਵਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਤੂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਕ ਦੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡੀ ਜੀਪ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਤੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਕਰਵਾਊ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਮੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਰੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡਾ ਢਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਧਾਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਵਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮੋਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਗੜੂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲੈਣ ਲਓ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਖੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਧਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾ ਕੇ ਡੈੱਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਡੀਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਡੀਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਦਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਦਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿਰਸਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿਰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਜੱਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਲਓ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤੂ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਤੂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੀਤੂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਮੀਤੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡ ਅਮਨਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਾਖਿਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲੈਣ ਲਓ ਭਲਵਾਨ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਆ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟਦੇ ਖਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗਜ ਗਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਗਜ ਗਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਂਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 6 ਤੇ ਔਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 8 ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲਾ 8 ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਾ 8 ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ 8 ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 8 ਤੇ ਡੀਂਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 6 ਤੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਤੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਔਰ 8 ਜੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਮੀਤ ਕਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸੁਮੀਤ ਕਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੀਸਰਾ ਮੀਤੂ ਅਗਰ ਨਾਨ ਸਟੋਪ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੁਮੀਤ ਜੋ ਵੀਰ ਸਕੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਔਰ ਸੇ ਔਰ ਬਾਂਟਡ USA ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਔਰ ਦੋਨੀ USA ਕੀ ਤਰਫ ਪੇ 500 ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ ਦੋ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਮੀਤੂ ਅਗਰ ਨਾਨ ਸਟੋਪ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਾਰਤੀ ਕਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੁਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਹਿਰ ਬੀ ਕੋ ਕੁਆਟਰ ਮੇਂ ਜੋ ਟੀਮ ਮੈਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮਾਇਆ ਦਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਰੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਲਗਾਇਆ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਕੇ ਲਈ ਲਓ ਭਲਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਂਗ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇ 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 ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਜਸਵੀਰ ਸਿਰਸਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਡੀਂਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੈਚ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਕੈਚਰ ਕੋ 200 ਕਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿਰਸਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਿਰਸਲ ਸਿਰਸਲ ਕਾ ਦੀਪ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਸਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿਰਸਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੀ ਰੇਡ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਖਟਖਟ
और आहरे और जो इस मैच की विजेता टीम होगी इन तीनों टीमों के एक एक खिलाड़ी भाई बिल्कुल लाइव के सामने आ जाना। हमारा इस महाकुंभ का लास्ट ड्रा होगा जो सेमी के लिए ड्रा डाले जाएंगे लाइव के सामने। बिल्कुल खेल समिति संजय टू थ्री पूरी खेल समिति भी आ जाएगी साथ में। लास्ट ड्रा होगा, लास्ट ड्रा पैना है, जेतू टीम जरूर पुजनगिया। लो मितू थ्री भी कहते अज बेर बेर के कबड्डिया पा रहे हैं। मुंडा कहते पिंडे ते हाथ नहीं रखन दिंदा, मुंडा कहते 11,000 दे करंट वांगू भगा भगा के मारदा है। फिरदा बेरे भी क्यों ना जसवीर पिंड दा मेला है। लो मोनू भलवान कहते कबड्डी पा रहा उसर पिंड वाला, मुंडे का कहते शरीर वेख के भुख लैंदी है, कहते ऐ भरमा जिहा शरीर है जिदा कहते भिंदर ते भीमे दीआं गल्लां पंजाब राज बिजली बोर्ड दे लई चलीआं जनरेटर दे थंब कहे गए ने ओ गल्लां। पर दूजे पासे डींग वाले भी अज कहते सिर ही गरवाई जांदे ने, पर भलवान कहते हट पिछे मित्रां दी मुछ दा सवाल है। ते पॉइंट जिहड़ा ऑसर दे खाते जा जुड़े है। रिमी कहते कबड्डी पा रहा है कि सौखी मारनी ते पिठ पिछे कढ़नी, सौखी हुंदी गाल मित्रो पता उदो चलदा जदों हथ जुड़दे तां उह बगानिया दे नाल मित्रो, कि जदों हथ जुड़दे बगानिया दे नाल मित्रो। ते पॉइंट कहते डींग दे खाते जा जुड़िया। डींग वाले जसवीर सिरसल वाला साडा भरा कहिंदा है जिहड़ा भी जापी उहनूं जफा लाऊ उहनूं कहिंदे 200 दे वड्डे मारने, 500 ये करता बाई कहते वादे पूरे कर देने ने भी क्वार्टर चलता है। अंकुश मोबाइल की कहते कबड्डी है। दूजे पासे चारा जो एक ने कहते गिट्टा चकिया, पर मैनू लगता भी मुंडा काम सिरे का ही कर गया। मुंडा कहते 500 नूं जसवीर सिंह लग गया। सिरसल वाला बाई हसदा पर मुंडा अंकुश कहते पॉइंट ऑसर के खाते जोड़ गया। आ मैच कहते बराबरी से खेडिया जा रहा है। मीतू थ्री फेर कबड्डी पा रहा है। उधर साडा वीर धोनी यूएसए वाला नाल कहिंदे वांटेड यूएसए वाला कहिंदा 500 दिता जाणा है। मीतू थ्री दी कहिंदे कबड्डी, मुंडा इह भी कहिंदे लगातार कबड्डियां पाउण दा दम रखदा है। पिंड दा मेला लुट्टण वाली गल करी हुई है। एक पासे अमन अज जिम्मेवारियां तेरे ते वड्डियां ने ओए मड्डियां ने, पर वाह नहीं ओ रिसा लै भी बब्बू भाई तिने मितुआ की खेड कहते बड़ी प्यारी है। भावे बड़े मितू की गल है भावे छोटे की भावे अज कहते कहते कबड्डिया बेर बेर के पा रहे हैं। लो भलवान कहते कबड्डी पा रहा है, शरीर भी कहते ऐन गर्मी के नाल कहते तिलकना होया पे है। हुण कौन कहते बहिंदे दरिया नूं डकूगा, गल समय की है। कौन हगे ने हवावां नूं गड्ढा दूगा, गल्लां समय दियां। ढींग वाले खिच तैयारी, जे सैमी खिच खेडना है ते खुच पटड़ी पैनी है। कहते 18 टायर ट्राला ते कहते नैनो गड्डी है। एक मिनट जी भाई संजय और वीरेंद्र आ जाओ। वीरेंद्र जी युखन ची साहब बुला रहे। हेलो वीरे सैल बदल जा मैं कहते प्लीज 500 रुपया जी। साडा वीर कहते सिरसल वाले कहते वीर वालों पुजे ने, जसवीर वालों कहते कैच ते कहते भलवान नूं कैच लगे है। मेरे तो जरूर डींग वाला फड़ के लै जावे, वाह नहीं हो रिस है। रिमी कहते डींग वाला कहते कबड्डी पा के पॉइंट का वाधा कर गया है। सुखिया कबड्डी पा अज सौखिया नहीं पैनिया, बैस्टा नूं 21,000 है। जिन्हें भी कहते रेडर आते हैं ना क्वार्टर के बब्बू भाई पैर भाने रुड़ रुड़ के ही आते हैं, रुड़ रुड़ के ही आते हैं क्योंकि सौखिया नहीं पैंदियां। जाफी वेखन डींग वाले रामिया कह रहे जे शरीर के लगते ने पर तिखे तीर वर्गा कर रहे ने। लो अंकुश कहते मोबाइल की कहते कबड्डी है, हेयर स्टाइल भी बखरा मुंडे का, पर दूजे पासे मैनू लगता निम ते करेला चढ़ू जा नहीं, जे आ जफा लग गया तो बड़ी माया दबा दूंगा तेनू पकोबरा। पर नहीं पॉइंट कहते ऑसर के खाते जा जुड़े है। चल मीतू पा के रख कबड्डी, जिम्मेवारियां भारिया ने। और लास्ट जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा बागडू की टीम पहुंच गई है भाई विक्के बागडू जो ग्राउंड के ऊपर तैयार है। बागडू की टीम आई है बागडू ते जमोला और भाई खटखट और अहरे कोई भी खिलाड़ी आना चाहते तो हम सेमी के लिए ड्रा डाल रहे हैं। खेल समिति ने बहुत बढ़िया निर्णय ले रखे, बिल्कुल कह रहे हैं को साहब अपने हाथ में बिल्कुल चारों पर्चे ले ले भाई, निष्पक्ष टूर्नामेंट करवाएंगे। और पहले भी क्वार्टर में बिल्कुल निष्पक्ष टाई डाली गई है। वाह जी वाह,
फास्ट जिहड़ियां टाइयां पा के मैच करवाए जा रहे ने। टीमां जरूर पुछणगियां अगले मैच जमोदर की टीम वेख दे भी टीम जल्दी नाल पुजे वागड़ू दे नाल मैच है। लो मोनू भलवान दी कहिंदे कबड्डी आ मुंडा छाला मारदा फिरदा है ते पॉइंट जिहड़ा ओसर दे खाते जा जुड़े है ओसर दे खाते जा जुड़े है। हुण कौन कबड्डी पाऊगा और भाई आहर और खटखट टीम का कोई खिलाड़ी आना चाहता तो आ सकता है। लाइव के सामने ड्रा डाले जाएंगे और इस महाकुंभ का लास्ट ड्रा होगा। दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला। वाह जी वाह। और बिल्कुल भाई देखिए खेल मेला निष्पक्षता की ओर बढ़ता हुआ बड़ा प्यारा खेल लास्ट ड्रा होगा भाई। कोई भी खिलाड़ी आना चाहता तो आ सकता है। एक मिनट संजय। हाँ जी लास्ट कॉल है। हाँ लास्ट कॉल है। खिलाड़ी नोट करे विनर टीमों के प्लीज जल्दी ना खेल के मैदान में पहुंच जाए। जो डीग वाला हो कोई भी जाफी कैच लाऊगा जसवीर सिरसल वाला कहता साडा भरा 1100 लै भी जसवीर कैंची 1100 जसवीर सिरसल वाला कहना 1100 अब कुछ नहीं कबड्डी भाई सिरसल वाले तेरे 1100 ने मैनू लगता उल्ट फेर करवाता है थोड़ी सट लगी है पर नहीं पॉइंट के अंकुश मोबाइल के खाते जा जुड़े ओसर के खाते जा जुड़े है। और लगभग मैच समाप्ति की ओर है। देखते हैं भाई कौन सी टीम नेक्स्ट राउंड में प्रेस करेगी। यहां पर टाइम आउट लिया गया। हाँ जी थोड़ी चोट लगी है कैचर के ढींग वाले कैचर दे थोड़ी चोट लगी है प्लीज मूव सवरे जरूर भी समय कहते मीतू थ्री दी पै रही है। ऐहर पिंड वाले की कबड्डी है। ऐहर पिंड ने भी कहते धन धन करवा दी है। मुंडे कहते मेहनत करते हैं मापिया का ना रोशन करते हैं कहते पूरे गांव का ना रोशन कर दिता है पूरे कबड्डी जग दे विच वाह धोनी यूएसए ते वांटेड यूएसए वाला कहता 500 दते जाने ने। मीतू ऐहर कहते थ्री कहते कबड्डी पा के जिहड़ा पॉइंट का वाधा कर गया। टीम के खिलाड़ी आप खटखट टीम का खिलाड़ी पहुंच गया ओसर का पहुंच गया भाई डालो जी क्यों कोई बात नहीं तो लाइव के सामने और दो बेटे अपने दो पर्ची उठा के दे देने हैं भाई। पहला सेमीफाइनल होगा दो पर्ची उठा ले इधर दे दे संजय भाई को दे दे और ये दो पर्ची आप उठा लो कैशियर साहब भाई। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा ये होगा भाई जमोला और बागड़ू का मैच होगा। दूसरी पर्ची खोलो जी मैच कहते जमोला बागड़ू की जेतू न होगा बिल्कुल जमोला का मुकाबला होगा और जो बागड़ू की विनर होगी वो आहर के साथ मुकाबला होगा। ये दूजा सेमी रखा गया जी। हाँ जी दूजा सेमी होगा ये और पहला सेमी होगा ओसर और खटखट के बीच में जो इस मैच की विजेता टीम होगी डीग या ओसर और मैच समाप्त। आप बताए जी फाइनल वो स्कोर वाले भज के दस जाए डींग वाले जाफी में तो माया लै जो फड़ के तो 500 रुपया जसवीर सिरसल वालों पुजा साढ़े भरा वालों डींग दे जिहड़े पॉइंट रहे ने 15 ओसर दे जिहड़े रहे ने 17 ओसर की टीम जिहड़ी विनर रही है जी नोट कर लियो। थोड़ी जाफी दे चोट लग गई मैच उत्थों लूज हो गया डींग 500 रुपया तुहाडा जसवीर सिरसल वालों पुजे डीग तक अपने अवसर का की